हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदीमन। तो हमारा टॉपिक चल रहा है व्यक्तित्व। तो चलिए अब हम उसके आगे पढ़ते हैं, व्यक्तित्व के प्रकार। तो देखिए, सबसे पहले है भारतीय दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं तीन, सत्व, रज और तम। ठीक है, तो सत्व जो व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं वे उच्च आदर्श वाले होते हैं, यानी कभी झूठ ना बोलना, हमेशा सत्य बोलना, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, पूजा पाठ करने वाले, धर्म को जो है ज्यादा मानने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो सत्व प्रकार के कहलाते हैं। दूसरे हैं रज प्रवृत्ति के, तो ऐसे व्यक्ति जो कि चंचल होते हैं, ठीक है, और कहीं भी जो है एडजस्ट हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। उसके बाद थर्ड है तम, यानी कि जो व्यक्ति आलसी होते हैं, क्रोधी होते हैं, ठीक है, गुणी होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो हैं ये तीसरी कैटेगरी में आते हैं। तो भारतीय दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व के तीन प्रकार होते हैं। हिप्पोकैट्स का वर्गीकरण, हिप्पोकैट्स ने शारीरिक द्रव्य के आधार पर जो है वो व्यक्तित्व को डिफाइन किया। इन्होंने व्यक्तित्व के चार प्रकार बताए, और ये चार प्रकार जो है शारीरिक द्रव्य या चिकित्सा के आधार पर बताए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि हिप्पोकैट्स ने व्यक्तित्व के जो चार प्रकार बताए वो आधार क्या लिया, तो आधार लिया द्रव्य और चिकित्सा के आधार पर। तो सबसे पहला है रक्त यानी लाल पित्त वाले, दूसरा है पीले पित्त वाले, तीसरा है काले पित्त वाले, और चौथा है कफ पित्त वाले। तो यहाँ पर सबसे पहला है रक्त पित्त वाले। ऐसे जो व्यक्तित्व जो होता है व्यक्तियों का, ये हमेशा जो है खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, उत्साही रहते हैं और आशावादी स्वभाव के होते हैं। ठीक है, हमेशा खुश नजर आएंगे और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करते हैं ऐसे व्यक्ति। पीले पित्त वाले जो व्यक्ति होते हैं ये किस प्रकार के होते हैं, इनका स्वभाव जो है वो कमजोर और क्रोधी होने के कारण चिड़चिड़ा होता है, हमेशा गुस्सा करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, बेचैनी जो है इनके अंदर होती है और हर चीज छोटी छोटी बातों पर जो है ये तुनक मिजाजी होते हैं। ठीक है, पीले पित्त वाले। थर्ड नंबर पर देखिए काले पित्त वाले व्यक्ति। अब देखिए काले पित्त वाले जो व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं ये दोनों तरीके से कमजोर होते हैं, यानी इनका शरीर भी बहुत वीक होता है और मन से भी ये बहुत कमजोर होते हैं। ठीक है, हमेशा उदास ये नजर आएंगे आपको, और निराशा जो है इनके फेस पर दिखाई देती है। ठीक है, और जो भी व्यक्ति इनके पास यदि बैठ भी जाता है तो वह भी जो है उसका शिकार हो जाता है, ऐसा समझिए, यानी कि उसके अंदर भी निराशा जो है वो आ जाती है। क्रैस्मर का शारीरिक बनावट के आधार पर वर्गीकरण, या शारीरिक गुणों के आधार पर कह सकते हैं, या शारीरिक संरचना के आधार पर जो है इन्होंने व्यक्तित्व के चार प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? चार प्रकार बताए। ठीक है, इनकी जो बुक है उसका नाम है फिजिक एंड कैरेक्टर, तो ये नाम भी याद रखिएगा बुक का। तो इन्होंने जो चार प्रकार बताए व्यक्तित्व के, तो सबसे पहले है पिकनिक साइक्लोड या गोलाकार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति जो हैं वो छोटे कद के होते हैं, मोटे होते हैं, हमेशा खुश प्रसन्न आपको नजर आएंगे, भोजन जो है इनको बहुत प्रिय होता है और इस वजह से जो है ये बीमार भी बहुत अधिक होते हैं। ठीक है, दूसरा जो प्रकार बताया एस्थेनिक सिजोट या लंबाकार, तो ये जो व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं ये लंबे होते हैं, दुबले पतले होते हैं, शरीर से थोड़ा कमजोर है, इस वजह से चिड़चिड़े होते हैं, किसी के सामने जो है अपनी भावनाओं को नहीं रखते हैं, शर्मीले होते हैं और निराशावादी होते हैं। थर्ड जो प्रकार बताया एथलेटिक या सुडोलकाय, नाम से ही पता लग रहा है कि स्वस्थ प्रकृति के होते हैं ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, हष्टपुष्ट होते हैं, स्वस्थ रहते हैं, खिलाड़ी और आशावादी होते हैं, कुछ नया करने की ये हमेशा सोचते हैं। फोर्थ प्रकार है डिसप्लास्टिक या मिश्रित काय, तो उपरोक्त तो ये जो तीनों प्रकार हैं इनका जो है मिला जुला रूप जो है वो आपको इस प्रकार में नजर आएगा। ठीक है, तो क्रैस्मर का जो विभाजन है जिसमें उन्होंने बताया कि जो डिसप्लास्टिक या मिश्रित काय व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं ये जो हैं खुश मिजाज भी होते हैं, हष्टपुष्ट जोशीले भी होते हैं, कमजोर भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है सभी कैटेगरी जो है इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो नाम आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखें, याद जो है वो बहुत आसानी से हो जाएगा। एथलेटिक जो सुडोल का है इसको आप याद रख सकते हो कि इसमें जो है स्वस्थ खिलाड़ी हष्टपुष्ट वाले व्यक्ति जो है वो आएंगे। ठीक है, पिकनिक प्रकार जो है गोलाकार प्रकार जो है वो आप ध्यान रख पाओगे कि ये जो है गोल जो है इनका जो फिजिक होता है इस तरीके का होता है, मोटे होते हैं,
मोटे और भोजन प्रेमी होते हैं और खुश मिजाज प्रकृति के होते हैं। और एक बसता है आपका एस्थेनिक, सिजोट या लंबाकार। तो ये आपको दुबले पतले नजर आएंगे, चिड़चिड़े, शर्मीले, निराशावादी होते हैं। ठीक है, ये जो नाम है ये भी आप ध्यान में रखें, क्योंकि कई बार जो है पिकनिक या गोलाकार जो है ना पूछकर, एस्थेनिक या लंबाकार ना पूछकर सिजोट पूछ लेते हैं, साइक्लोइड पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों नाम जो है वो आप ध्यान में रखेंगे। तो क्रैशमर के जो विभाजन है व्यक्तित्व का, तो उसमें उन्होंने चार प्रकार बताए, पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक और डिसप्लास्टिक। तो साथ में ही इनको जो है वो याद करते चलिए, बहुत ही आसान तरीके से जो है मैंने नोट्स बनाए हैं ताकि आपको इजी वे में याद हो सके। दूसरा जो प्रकार बताए, वर्गीकरण बताए व्यक्तित्व के, वो बताए शेल्डन ने। शेल्डन ने शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए। शेल्डन की बुक का नाम है द वेराइटीज ऑफ ह्यूमन फिजिक्स। ठीक है, हमने अभी जो है क्रैशमर की जो बुक देखी थी उसका क्या नाम था? उसका नाम था फिजिक एंड कैरेक्टर, और शेल्डन की बुक का नाम है द वेराइटीज ऑफ ह्यूमन फिजिक। शेल्डन ने तीन प्रकार बताए, क्रैशमर ने चार प्रकार बताए, वहीं पर शेल्डन ने शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व के तीन प्रकार बताए। सबसे पहला प्रकार बताया गोलाकृति, एंडोमॉर्फिक या मिस्रोटोनिया। तो जो पिकनिक प्रकार था किसका? क्रैशमर का। ठीक है, तो वही प्रकार है यहाँ पर, नाम इन्होंने जो है वो अपने अलग रखे हैं। एंडोमॉर्फिक, एंडो यानी कि आप जो है वो अंडा जो है उसे याद रखें यहाँ, तो अंडा कैसा होता है? गोल होता है। ठीक है, मिश्रोटोनिया, व्यक्तित्व वाले व्यक्ति गोल मटोल होते हैं, मोटे ताजे होते हैं, भोजन ये अत्यधिक खाते हैं। ठीक है, बड़े पेट वाले जो है नजर आते हैं, विनोद प्रिय, हंसने वाले होते हैं, इनका स्वभाव जो है वो बहुत अच्छा होता है, और इनके जो है दोस्त भी आपको बहुत सारे नजर आएंगे, क्योंकि ये इतने खुश मिजाज के होते हैं कि भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। दूसरा प्रकार है आयताकृत, मेसोमॉर्फिक या सोमेटोनिया। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो जोशीले होते हैं, स्वस्थ, मजबूत होते हैं, कार्य क्षमता अधिक होते हैं। यदि हम क्रैशमर के विभाजन से तुलना करें तो जो हमने एथलेटिक सुडोल का जो प्रकार देखा तो वो यही है। ठीक है, आयताकृत, मेसोमॉर्फिक या सोमेटोटोनिया। थर्ड देखिए, लंबाकृति, एक्टोमार्फिक और सेरिब्रोटोनिया। तो जो एसेनिक प्रकार था, लंबाकाय प्रकार था क्रैशमर का, तुलना करके याद करिए तो आपको और भी आसानी से याद होंगे, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में क्रैशमर और शेल्डन के वर्गीकरण में। तो लंबाकृति, एक्टोमार्फिक और सेरिब्रोटोनिया ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो कि क्रैशमर ने बताए थे एस्थेनिक प्रकार के, तो यहाँ पर इन्होंने एक्टोमॉर्फिक या सेरिब्रोटोनिया बताया। ठीक है, ऐसे व्यक्ति दुबले पतले, कमजोर होते हैं, निराशावादी होते हैं और शर्मीले प्रवृत्ति के ये होते हैं, लज्जालु होते हैं। ठीक है, दूसरों से जो है कोई भी बात करने में जो है इनको शर्म महसूस होती है। तो शेल्डन ने जो है सबसे निम्न स्तर का व्यक्तित्व जो बताया तो वो यही बताया। ये भी एग्जाम में जो है आप याद रखेंगे एग्जाम के लिए, कि शेल्डन ने अपने जो तीन प्रकार बताए हैं व्यक्तित्व के, जिसमें सबसे निम्न स्तर पर किसे रखा, व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार माना? तो वह माना लंबाकृति, एक्टोमॉर्फिक या सेरिब्रोटोनिया। ठीक है, तो आपको जो ये याद अच्छे से हो गए होंगे। उसके बाद देखिए युंग या जुंग, तो इनका मनोवैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण रहा है, और जुंग जो है कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। ठीक है, इन्होंने कई जो है वो बुक लिखी थी, जिसमें व्यक्तित्व में जो है साइकोलॉजिकल टाइप्स जो है इनकी फेमस बुक है। इन्होंने जो प्रकार बताए व्यक्तित्व के वो दो प्रकार के बताए, कि व्यक्तित्व के दो प्रकार होते हैं, एक तो ऐसे व्यक्ति जो कि अंतर्मुखी होते हैं और एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी जो पर्सनैलिटी है वो बहिर्मुखी होती है। ठीक है, तो अंतर्मुखी वाले जो व्यक्ति होते हैं ये हमेशा जो है एकांत रहना इनको बहुत अच्छा रहता लगता है, और ये जो है चुपचाप रहते हैं, सामाजिकता और सहयोग की भावना जो है इनके अंदर नहीं रहती है, लोगों से मिलजुल कर नहीं रहते हैं और मन में ही अपनी बात जो है वह है, रखते हैं। इनके जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं वह भी बहुत कम होते हैं, ऐसी विशेषता होती है अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों की। बहुर्मुखी जो व्यक्तित्व होता है व्यक्तियों का, तो ये लोग जो है समाज से मिलजुल कर रहना इनको पसंद होता है, सहयोग की भावना इनमें होती है, इनमें जो इनके जो फ्रेंड्स देखेंगे हम, मित्रों की संख्या वो हमें बहुत अधिक दिखेगी, ज्यादा से ज्यादा बोलना जो है इनको पसंद होता है। ठीक है, और समाज में जो है ये लोकप्रिय स्थान जो है वो प्राप्त
करते हैं। तो सामाजिक व्यक्तित्व वाले होते हैं और ये मन की बात जो है वो बाहर निकालते हैं। वाक्पटु होते हैं, बहुत अधिक बोलते हैं और इनके मित्रों की संख्या भी अधिक होती है। तो जुंग ने मनोवैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण किया, व्यक्तित्व के दो प्रकार बताए, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। तो इनमें से जो है वो आप देखिएगा कि आप जो है कौन से व्यक्तित्व का जो प्रकार है उस श्रेणी में आ रहे हो, ठीक है? क्योंकि आपसे बढ़कर आपको कोई नहीं जानता। यह वर्गीकरण जो दिया था जुंग ने 1923 में अपनी पुस्तक साइकोलॉजिकल टाइप्स में दिया था। इसके अलावा इनकी एक बुक है, द रेड बुक है इनकी, ठीक है, और मॉडर्न मैन इन सर्च ऑफ अ साउल, तो ये भी इनकी बुक है। अगला देखिए वर्गीकरण है आइजेंग का, आनुवांशिकता जैविक या मनोवैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण। तो आइजेंग का जो वर्गीकरण है व्यक्तित्व का, जिसमें आनुवांशिकता और जैविक, ये आप याद रखें कि इनका जो आधार इन्होंने माना व्यक्तित्व का, तो आनुवांशिकता और जैविक माना, ठीक है। सबसे पहले है अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व। तो इसका मतलब ये है कि किसी व्यक्ति में सामाजिक उन्मुखता या सामाजिक विमुखता कितनी अधिक पाई जाती है। तो इसमें एक साइड में ऐसे लोग होते हैं जिनमें सामाजिकता और लोगों से मिलने जुलने की भावना जो है वो अधिक पाई जाती है, ठीक है, और दूसरी छोर पर ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें निष्क्रियता, शांत, सतर्क और शर्मीले संकोचशील वाले होते हैं। दूसरा जो प्रकार बताया, तंत्रिका तापिता बनाम सांवेगिक स्थिरता व्यक्तित्व। तो जो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ये जो है पीड़ित लोग होते हैं एक छोर पर, तो ठीक है, जिसमें तंत्रिका तापिता वाले आ जाएंगे। तो ऐसे लोगों में जो है चिड़चिड़ापन, अति संवेदनशीलता, बेचैनी, ठीक है, खुद के ऊपर कंट्रोल ना कर पाना, ऐसा व्यक्तित्व जो होता है इनका। और दूसरे साइड जो है ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं जो कि शांत रहते हैं, ठीक है, और अपने जो संवेग हैं उन पर कंट्रोल कर लेते हैं, अत्यधिक विश्वसनीय जो है ऐसे व्यक्ति होते हैं। तीसरा जो है वर्गीकरण है मन स्थापिता बनाम सामाजिकता व्यक्तित्व। तो इसे जो है आइजेनिक ने जो है वो बाद में जोड़ा, पहले इन्होंने जो है दो ही प्रकार बताए थे, अंतर्मुखता और बनाम बहिर्मुखता व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, और दूसरा बताया था तंत्रिका तापिता बनाम सांवेगिक स्थिरता वाले व्यक्ति। इन्होंने व्यक्तित्व में जो है व्यक्ति के दोनों साइड जो है, दोनों पक्ष जो हैं उसकी बात की अपने प्रकारों में, ठीक है। तीसरा जो है इनका मन स्थापिता बनाम सामाजिकता व्यक्तित्व, ये जो है इन्होंने बाद में जोड़ा था, ठीक है। तो मन स्थापिता यानी इसमें जो है ऐसे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति जो है वो इसके अंदर क्रूरता अधिक हमें दिखाई देगी, समाज विरोधी जो है ये काम जो है वो करेगा, ठीक है, अपने मन की जो है वो मानता है, और जो भी क्रिएटिविटी जो होती है इसका अभाव इसमें पाया जाता है। दूसरी साइड में जो दूसरे छोर पर जो व्यक्ति हैं तो उनमें सामाजिकता दिखाई देगी, नैतिकता दिखाई देगी, सहयोग आदर्श की भावना जो है इसकी विशेषता होती है, ठीक है। स्प्रेंगर के समाजशास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार, तो इनकी बुक जो है वह है टाइप्स ऑफ मैन, जो कि इन्होंने 1928 ईस्वी में लिखी थी। तो स्प्रेंगर ने 6 प्रकार बताए हैं व्यक्तित्व के। सबसे पहला है सैद्धांतिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, जो कि सिद्धांत पर रहते हैं, अपने सिद्धांतों पर कायम रहते हैं और सिद्धांत को लेकर ही कार्य करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो एक लेखक हो सकता है, वैज्ञानिक हो सकता है या एक दार्शनिक हो सकता है। दूसरा जो है सामाजिक प्रकार बताया, तो ऐसे व्यक्ति जो है जो कि समाज के बारे में सोचते हैं, समाज में अपनी प्रतिष्ठा जो है वो बनाए रखना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति दयालु होते हैं, समाज सेवी होते हैं, ठीक है, जैसे कि नेता। तीसरा देखिए आर्थिक प्रकार, तो आर्थिक जो वर्गीकरण है, आर्थिक जो प्रकार है इसमें जो कि धन से संबंधित जो है वो बातें हमेशा सोचते हैं, लाभ आने के बारे में ये सोचते हैं, तो दुकानदार है, उद्योगपति है, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। चौथा प्रकार है राजनीतिक प्रकार, जिसमें नेतागण आते हैं जो कि पॉलिटिक्स की बात करते हैं, पॉलिटिक्स में रहना इनको बहुत पसंद होता है, नेतृत्व की भावना जो है ऐसी व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों में मिलेगी। फिफ्थ नंबर पर है सौंदर्यात्मक, यानी कि ये जो है क्रिएटिव माइंड के होते हैं, कलाकार होते हैं। हम देखते हैं कि इसमें जो है आप देखिए जो बड़ई है वो भी आ जाता है, कुम्हार भी आ जाता है, एक बड़ा पेंटर भी आ जाता है, ठीक है, जो कि किसी भी चीज को जो है बहुत अच्छे नजरिए से देखता है और उसको और भी अच्छे से सुंदर जो है उसकी व्याख्यान करना, ठीक है, उसको अच्छा बनाना,
ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। फिर देखिए 6 नंबर पर है धार्मिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, तो आस्था प्रवृत्ति के होते हैं, भगवान में ध्यान रखना, शांत प्रवृत्ति के होते हैं ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, और पूजा पाठ जो है इनको बहुत प्रिय होती है। तो स्प्रेंगर ने 6 प्रकार बताए, सैद्धांतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सौंदर्यात्मक और धार्मिक। ठीक है, उदाहरण भी आपको ध्यान में रखने हैं। थोंडाइक का विचार शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण, तो इन्होंने थोंडाइक ने विचार शक्ति इसके आधार पर यानी सोचने की जो शक्ति होती है उसके आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। तो सबसे पहला है प्रत्यक्ष प्रकार, जो सामने वैसा ही दिखाए जैसा हो, यानी कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके मन में जो भी कुछ आता है वो बिल्कुल सामने पेश कर देते हैं, जैसा वे हैं वैसा ही दिखाते हैं। ठीक है, जैसा उनके मन में जो चल रहा होता है, जैसा उन्होंने सोचा वही सामने प्रेजेंट कर देते हैं। दूसरे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं स्थूल प्रवृत्ति के, तो जो कि लाभ हानि ज्यादा देखते हैं, यानी ये देखते हैं कि प्रॉफिट कहाँ है, किस पर जो है ज्यादा सोचा जाए, जहां पर हानि है उस बारे में सोचना कम है और जहां लाभ है उस बारे में अधिक सोचना है। ठीक है, तीसरा है सूक्ष्म शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, तो जो कि तार्किक शक्ति वाले होते हैं, यानी कि लॉजिक के ऊपर जो है ये वर्क करते हैं, हर किसी का लॉजिक होना चाहिए, प्रूफ जो है वो करके दिखाएं। ठीक है, तो थॉर्नडाइक का विचार शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो है 3 प्रकार बताए इन्होंने, प्रत्यक्ष, स्थूल और सूक्ष्म। प्रत्यक्ष यानी जो जैसा सोचता है वैसा ही जो है बोलता भी है। स्थूल प्रवृत्ति के यानी कि जो लॉस और प्रॉफिट को देखकर आगे काम करे। सूक्ष्म प्रवृत्ति वाले यानी तर्क शक्ति वाले व्यक्ति होते हैं। हॉलैंड का वर्गीकरण, इन्होंने 1985 में जो है व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, अभिरुचि, मूल्य और क्षमताओं के आधार पर इन्होंने प्रकार बताए। तो सबसे पहला जो प्रकार है इनका है यथार्थवादी प्रकार यानी आर टाइप, अनुसंधानात्मक प्रकार यानी कि आई टाइप, कलात्मक प्रकार ए टाइप, सामाजिक प्रकार जिसे एस टाइप भी कहते हैं, और 5वें नंबर पर है उद्यमशील प्रकार यानी ई टाइप, और रूढ़िगत प्रकार यानी कि सी टाइप। अब देखिए जो सबसे पहला प्रकार है यथार्थवादी प्रकार, जिसको इन्होंने आर टाइप कहा, आर यानी कि रियलिस्टिक टाइप। ठीक है, ऐसे जो व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं, ये जो है वस्तुएं हो गई और या फिर कोई उपकरण हो गया, इसको बनाने में, उसको संचालित करने में जो है इनको अच्छा लगता है। ठीक है, अनुसंधानात्मक प्रकार जो है यानी कि इन्वेस्टिगेटिव टाइप, तो ये लोग जो है क्या करते हैं, रिसर्च करने में जो है ये माहिर होते हैं ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, कुछ ना कुछ खोजना, नया जो है इन्वेंट करना, तो ये जो है ऐसा काम करते हैं। तीसरा जो है कलात्मक प्रकार ए टाइप, ए टाइप का मतलब क्या है, आर्टिस्टिक टाइप, यानी कि कोई भी वस्तु जो है वो बनाने में, उसको नए तरीके से डिजाइन करने में, उसमें जो है अलग अलग प्रकार के रंगों को भरने में, ठीक है, कुछ भी नया डिजाइन करने में जो है इनको मजा आता है, और ऐसा ही जो है कोई भी वस्तु इनको पकड़ा दी जाए तो उसको जो है सुंदर तरीके से ये क्रिएट करते हैं। फिर है सामाजिक प्रकार, जिसको ऐसे टाइप कहा है, ऐसे यानी कि सोशलिस्टिक, तो समाज में जो है अपने आप को जो है रखना और सामाजिक व्यवहार जो है इनके अंदर बहुत ज़्यादा मिलेगा, सहयोग की भावना रहेगी, समाज प्रेमी ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। उद्यमशील प्रकार, जिसको इन्होंने ई टाइप कहा, यानी कि एंटरप्राइजिंग टाइप, ठीक है, तो दूसरे जो व्यक्ति होते हैं उन पर जो है अपनी छाप छोड़ना, उन पर जो है अपना प्रभाव जमाना, तो ये जो है इनको अच्छा लगता है, और दूसरे व्यक्ति इन्हीं के बारे में सोचें, तो ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति ये होते हैं उद्यमशील प्रकार के। 6 नंबर पर है रूढ़िगत प्रकार यानी कि सी टाइप, तो सी का मतलब है कन्वेंशनल टाइप, ठीक है, यानी कि जो रीति रिवाज हैं, पुरानी जो परंपराएं हैं, तो इनके दिमाग में हमेशा रहती हैं, कुछ भी कार्य करते हैं सबसे पहले देखते हैं कि जो है पहले से ये काम जो है कैसा होता आ रहा है। ठीक है, इनके दिमाग में रीति रिवाज जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और सामने वाले व्यक्तियों को भी ऐसा ही चलाने की कोशिश ये करते हैं। इस सिद्धांत को RIASEC यानी कि ये जो शॉर्ट नेम जो है मॉडल कहा जाता है, इसे षटकोणीय मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका अन्य नाम क्या है, षटकोणीय मॉडल। 6 जो है प्रकार इसके बताए हैं। नेक्स्ट जो वर्गीकरण है, फेडमैन तथा रोजेनमैन का वर्गीकरण, तो व्यक्तियों को उनके व्यक्तित्व संबंधी गुणों के आधार पर
गुणों के आधार पर इन्होंने दो प्रकार बताए। सबसे पहला जो बताया टाइप ए प्रकार, और दूसरा बताया टाइप डी। ठीक है, टाइप ए वाले जो व्यक्ति होते हैं तो इनमें क्या क्या विशेषता होती है? ये अत्यधिक चिंतित होते हैं, तनाव युक्त, उदासीन, एकांत प्रिय, शंकालु, क्रोधी, किसी काम के पीछे बुरी तरह से पीछे पड़ने वाले, बहुत अधिक आदर्शवादी। ठीक है, जो इन्होंने, अगर इनकी जो डायरी है जिसमें जो लिखा है कि यहाँ पर ऐसा काम करना मना है, तो ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, सिद्धांतवादी भी होते हैं ये, समय के अनुसार स्वयं को बदलने में जो है असमर्थ होते हैं, बहुत ही इनको परेशानी होती है, यदि पुराने से जो चीज़ चली आ रही है उसी को फॉलो करते हैं, समय की जो है वो पाबंदी ऐसे व्यक्तियों की होती है। ठीक है, यानी खुलकर जो है ये लोग कार्य नहीं करते हैं। टाइप बी में आ जाएंगे, तनाव और चिंता मुक्त। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो टाइप ए के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, यानी कोई भी टेंशन नहीं पालते हैं, फ्री माइंडेड पर्सन होते हैं, मस्त मौला होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, संयम से जो है ये काम लेते हैं, संवेगात्मक रूप से जो है स्थिर होते हैं, अपने संवेगों पर कंट्रोल कर लेते हैं, गुस्सा कहीं आता है तो उस गुस्से को जाहिर नहीं होने देते हैं, अपने वातावरण में जो है ये समायोजित स्थापित कर लेते हैं, और किसी कार्य को अधिक गंभीरता से ये नहीं लेते हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण जो है इनका होता है। ठीक है, यथार्थवादी यानी कि रियलिस्टिक। तो देखिए यहाँ पर जो ये जो व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं तो ये हमेशा हर जगह जो है एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, और लोगों को खुश करने में भी ये माहिर होते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है व्यक्तित्व के जितने भी प्रकार हैं, जितने भी मनोवैज्ञानिकों ने दिए, सभी हमने किए हैं, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न जो है वो आपके आते हैं, प्रकार के जो नाम हैं वो आप ध्यान में रखें। तो चलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने जो वर्गीकरण देखा, जिसमें हमने आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर जो व्यक्तित्व के प्रकार देखे, किसके, शेल्डन का शारीरिक बनावट के आधार पर वर्गीकरण देखा, और जिसमें उन्होंने तीन प्रकार बताए, एक तो गोलाकृति बताया, आयताकृति बताया, ठीक है, और लंबाकृति के बताया। ठीक है, दूसरा प्रकार जो हमने देखा किसका, क्रैश्मर का देखा, जिसमें उन्होंने चार प्रकार बताए, एक और प्रकार जो उन्होंने जोड़ दिया लास्ट में मिश्रित का है, और इसके अलावा उनके जो शारीरिक बनावट के आधार पर जो वर्गीकरण किया उसका नाम भी उन्होंने चेंज किए, पिकनिक गोलाकार, एस्थेनिक या लंबाकार, एथलेटिक प्रकार और डिसप्लास्टिक बताया। ठीक है, इसके बाद जो है हमने बात की थी थोंडाइक जो है उन्होंने व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण बताया, जिसमें उन्होंने तीन प्रकार बताए, प्रत्यक्ष, स्थूल और सूक्ष्म। फिर हमने स्प्रेंगर का जो वर्गीकरण देखा तो उन्होंने जो है वो छह प्रकार बताए, कौन कौन से, सैद्धांतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सौंदर्यात्मक और धार्मिक। ठीक है, आइजेंक ने जैविक या अनुवांशिकता के आधार पर वर्गीकरण बताया, जिसमें उन्होंने दो पक्ष के जो अपोजिट लोग जो हैं उनके तीन ही प्रकार बताए, सबसे पहला अंतर्मुखता और बहिर्मुखता वाले व्यक्तित्व बताया, तंत्रिका तापिता बनाम सांवेगिक स्थिरता व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, ठीक है, मन स्थापिता बनाम सामाजिकता व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। और फिर हमने जो है हॉलैंड का वर्गीकरण देखा तो उन्होंने छह जो है प्रकार बताए, जिन्हें षटकोणीय मॉडल भी कहा जाता है, जिसमें सबसे पहला जो है बताया उन्होंने यथार्थवादी प्रकार, फिर उन्होंने जो है वो अनुसंधानात्मक प्रकार बताया, फिर उन्होंने जो है वो कलात्मक प्रकार बताया, सामाजिक प्रकार बताया, ठीक है, उद्यमशील प्रकार बताया, और उसके बाद लास्ट जो उन्होंने बताया रूढ़िगत प्रकार। फ्रेडमैन और रोजमैन का जो वर्गीकरण है, जिसमें उन्होंने जो है वो केवल दो ही प्रकार बताए, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए वाले व्यक्ति जो कि कमजोर, चिड़चिड़े, ठीक है, बुरी तरह से पीछे जो है वो पड़ जाए किसी भी व्यक्ति के, बहुत ज्यादा आदर्शवादी, खुद को चेंज ना करना किसी भी कंडीशन में, ठीक है, हमेशा उदास रहना, ये टाइप ए में आ गया। और टाइप बी में बताया कि जो तनाव से मुक्त रहते हैं, चिंता मुक्त रहते हैं, मस्त मौला होते हैं, कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो शांत प्रवृत्ति के होते हैं और अपने संवेगों पर कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये सभी प्रकार जो हैं, जो ये वर्गीकरण बताए हैं, तो आप इनको याद रखेंगे, नाम आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखें, क्योंकि नाम यदि आपने ध्यान में रख लिए तो उनकी विशेषताएं आपको जो है नाम से ही याद हो
हो जाएंगी। कैसे? शेल्डन का जो हमने शारीरिक बनावट के आधार पर वर्गीकरण देखा, जिसमें हमने तीन प्रकार देखे, तो गोलाकृति, तो बिल्कुल नाम से ही पता लग जाएगा कि गोलाकृति वाला जो है कैसा होगा, व्यक्तित्व कैसा होगा उसका, गोलमटोल होगा, मोटा ताजा होगा, ठीक है, हंसने वाला होगा, है ना। और दूसरा जो प्रकार बताया आयताकृत, वहां पता लग रहा है हमको कि वो जोशीला होगा, स्वस्थ होगा, मजबूत होगा, जो कि क्रैशमर में हमने जो है वो एथलेटिक प्रकार हमने पढ़ा यही, ठीक है। उसके बाद शेल्डन का जो तीसरा प्रकार हमने लंबाकृति वाला देखा, जो दुबला पतला है, लंबा है यानी दुबला पतला है, कमजोर है, शर्मीला है, निराशावादी है। तो नाम से ही आप पता कर सकते हैं उनकी विशेषताएं, ठीक है। जुंग का जो वर्गीकरण देखा, जिसमें उन्होंने दो ही प्रकार बताए, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी यानी कि सब कुछ जो है वो अंदर समेट कर रखता है, बाहर कुछ भी नहीं निकालता है, ठीक है, एकांत रहना उसको बहुत प्रिय होता है। बहिर्मुखी जो कि समाज से कनेक्ट होता है, समाज के साथ जो है हर बात को शेयर करना उसको बहुत अच्छा लगता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। तो नाम से जो है आप पता कर सकते हैं, उससे जरूरी है आपको कि जो भी प्रकार बताए हैं नाम आप याद रखें। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, और नेक्स्ट हम व्यक्तित्व के सिद्धांत को पढ़ेंगे। नोट्स इस तरीके से बनाए गए हैं कि आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, और आपके एग्जाम में जो है हर क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से कर पाओगे। आप लोग यदि फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी करोगे, वहाँ भी साइकोलॉजी, ठीक है, सेकंड ग्रेड में है ही, इसके अलावा थर्ड ग्रेड में आपको मिलेगी, रीट में मिलेगी, तो वहाँ भी आपका बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। साइकोलॉजी आपको एक बार ही पढ़नी है, तो बहुत अच्छे तरीके से जो है कंप्लीट नोट्स के द्वारा पढ़िए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इनको रिवाइज करिएगा, रख कर मत बैठिएगा नोट्स को। थैंक यू।